राजनीतिक क्षेत्र हो या सामाजिक क्षेत्र हो या शिक्षा चिकित्सा रोजगार कोई भी विषय हो, इस पर मिलकर काम करेंगे और गुरुग्राम को बेहतर मिलकर बेहतर करने का जो संकल्प नवीन भाई ने लिया है उस संकल्प पे हम लगे। सब 5 तारीख तक भाई नवीन गोयल का साथ दो, फिर 5 साल तक नवीन आपकी सेवा करेगा। गुड़गांव विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी नवीन गोयल के भाई डीपी गोयल ने सैनी समाज की देवतुल्य जनता से यह आह्वान किया। उन्होंने कहा कि 5 अक्टूबर को ऐतिहासिक जीत सुनिश्चित करें। इस चुनाव में गुड़गांव की जनता जीतेगी। यह गुड़गांव की जनता के मान सम्मान का चुनाव है। लोगों को भावनात्मक रूप से प्रेरित करते हुए डीपी गोयल ने कहा कि घड़ी में 12 अंक है, ज्योतिर्लिंग 12 है और हमारा चुनाव चिन्ह भी ईवीएम में 12वें नंबर पर है। यह 12 का अंक हमारे लिए शुभकारी है। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम की जनता 5 अक्टूबर को मतदान के दिन ईवीएम में 12वें नंबर पर कांच के गिलास के सामने इतने बटन दबाए कि यह इतिहास बन जाए। हमारा चुनाव चिन्ह है कांच का गिलास, जो रचेगा इतिहास, करेगा विकास। उन्होंने कहा कि कांच का गिलास गुरुग्राम में जीत की भी निशानी है। अब तक जितने भी निर्दलीय प्रत्याशियों को कांच का गिलास चुनाव निशान मिला, गुड़गांव की जनता ने उन्हें विधानसभा पहुंचाने का काम किया है। डीपी गोयल ने कहा कि चुनाव से पहले किसी ने 5 साल कोई काम नहीं किए, इसके बाद भी जनता ने उनका भरपूर साथ दिया। हम तो पिछले करीब 6 साल से आपके बीच रहकर जनसेवा के काम कर रहे हैं। गुरुग्राम का हर व्यक्ति हमारे परिवार का हिस्सा है। मेरा शहर के हर परिवार पर यह हक भी है कि मैं सबका समर्थन, सबका मत हासिल करूं। डीपी गोयल ने कहा कि हम सबकी एकता ऐसे ही बनी रहनी चाहिए। लोग प्रलोभन भी देने आएंगे, लेकिन हमें अपने विकास, अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अपने चुनाव निशान कांच के गिलास पर अडिग रहना है। हमारे से जुड़ा हर व्यक्ति मतदान के दिन एक एक वोट पोल करवाए, शुरू के 2 घंटे में अपने परिवार के वोट डाले, उनके बाद दूसरे वोटर्स पर ध्यान दे और उनको घरों से बुलाकर वोट डलवाए। डीपी गोयल ने लोगों के बीच चुनाव में जीत दर्ज के बाद की योजना को भी साझा किया। उन्होंने कहा कि पहले 100 दिन में गुरुग्राम में मूलभूत सुविधाओं को दुरुस्त करने पर काम होगा। शिकायतें बहुत आ रही है, आने वाले टाइम में बहुत काम करेंगे। अब लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है और मैं तो बस सिर्फ आभार व्यक्त करता हूँ कि जिस तरीके से चुनाव कैंपेन चल रहा है, मुझे लगता है कि बहुत अच्छी विजय हमारे को गुरुग्राम वासियों को मिलने वाली है। सड़कें अभी टूटी पड़ी हैं, पिछले 5 सालों में कोई काम नहीं हुआ, विकास नहीं था। इसी रोष के कारण लोग नवीन गोयल भाई को प्यार कर रहे हैं। उनको भरोसा हो गया है गुरुग्राम में कि नवीन गोयल भाई ही हमारे टूटे हुए रोडों को, पानी को, शिविर को, व्यवस्था को, सफाई व्यवस्था को अच्छा कर सकते हैं। और जिस तरीके से क्रिमिन फाउंडेशन ने हेल्थ के क्षेत्र में एक मॉडल क्रिएट किया, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो या सामाजिक क्षेत्र हो या शिक्षा चिकित्सा रोजगार कोई भी विषय हो, इस पर मिलकर काम करेंगे और गुरुग्राम को बेहतर मिलकर बेहतर करने का जो संकल्प नवीन भाई ने लिया है उस संकल्प पे हम लगे रहेंगे। गुरुग्राम की जनता नवीन भाई को आशीर्वाद देने जा रही है। मुकेश शर्मा का ये कहना है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा वैसे वैसे पार्टी की तरफ लोग जाते जाएंगे। ये तो उन्नाई वाले बाढ़ है, 5 दिनों में सामने आने वाले हैं और एक रैला गुरुग्राम में एक विचारों का आने वाला है। जैसे जैसे आपकी ट्रेन, जैसे ट्रेन का टाइम होता है तो सवारियों के आने का भी समय हो जाता है। लोग परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, उन्होंने 10 साल का दुख झेला है। अब लोगों का रोज बाहर निकल के आने लग रहा है, हर आदमी कैंपेनिंग में लगा हुआ है और एक ऐसी साइलेंट आर्मी नीचे नीचे काम कर रही है और ये एक रोष में बदल कर बहुत सारे वोटों में तब्दील होने वाली है। आज गुरुग्राम के लोगों को ये एक इस बात का दुख है कि हमारे नवीन गोयल भाई ने 10 साल मेहनत की और उसका मेहनताना पार्टी किसी और को दे रही है। हमने कभी पार्टी की बात नहीं करी, कभी किसी के खिलाफ बात नहीं करी, लेकिन गुरुग्राम के लोगों में ये बहुत बड़ा दुख है और दुख को वोट में ज्यादा वोट परसेंटेज बढ़ाकर भी इस दुख को कहीं ना कहीं साबित करने वाली है और आपका गुरुग्राम का भविष्य उज्ज्वल होने वाला है। नवीन गोयल भाई अच्छे मार्जिन के साथ जीतने जा रहे हैं। हमारे शहर को पहले गुड़गांव से गुरुग्राम बना दिया और फिर गुरुग्राम से कूड़ा ग्राम बना दिया। हमारा क्या कसूर है भाई? हम कोई टैक्स नहीं देते, बिजली का बिल नहीं देते, पानी का बिल नहीं देते,
नमक खरीदते नमक पे भी जीएसटी जाता है, हर चीज पे टैक्स देते हैं, तो हमें सुविधाएं भी तो मिलनी चाहिए ना, नहीं मिलनी चाहिए? और बहुत ज्यादा कुछ नहीं चाहते हम, क्या हम मांगते हैं? गुड़गांव के लोग तो वैसे बेचारे मेहनती शरीफ, थोड़ा सा कुछ कर दो ज्यादा देने वाले लोग हैं। हम तो ये चाहते हैं थोड़ा पानी ढंग से आ जाए, खंभों पे लाइट लग जाए, लाइट बंद ना हो, सफाई का व्यवस्था अच्छी हो जाए, सीवर का पानी की व्यवस्था ठीक हो जाए। मुख्य तो ये चार पांच बातें हैं, और वो भी नहीं हो रही तो कैसे बात करेंगे? हैं, पानी भी साफ नहीं आता। ये सारी आपको हितों की लड़ाई आपका भाई नवीन गोयल गुरुग्राम जनता के लिए लड़े, इस बात के लिए आज गुरुग्राम मांगे नवीन गोयल को नारा लगा रहे। सारी बातें आपको पता है, इस दुनिया में एक इंसान की सबसे बड़ी जो चीज होती है वो नीयत होती है, और नीयत के साथ बरकत होती है। जिसकी इंटेंशन अच्छी होगी उसके शब्दों में सच्चाई होगी, और जिसके शब्दों में सच्चाई होगी उसके कर्मों में भी शुद्धता होगी, और उसके कर्मों में भी फिर परिणाम अपने आप आ ही जाते हैं। पर वो आप रिश्ता बना ही देते हैं, तो वो वही एक नियत नवीन गोयल भाई और पूरी कैनबिन फाउंडेशन की केवल एक ही है कि हम कैसे एक आम परिवार का, गुरुग्राम वासियों का कितना ज्यादा से ज्यादा हम कर दें, कितनी हम सेवा कर दें। इसी भाव के साथ हमारी